हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए दिवाली स्पेशल गन्स लेके आई हूँ। मैं जब मार्केट में निकली तो कुछ मुझे बहुत ही अच्छी सी और स्वीट सी गन दिखी, जो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, जिसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये गन क्या है और कैसे चलने वाली है। यहाँ पे देखिए, कुछ छोटी सी आपको गन दिख रही है। ये दोनों का फंक्शन सेम है। ये जो गन है ये मुझे मार्केट में 30 रुपीज़ की पड़ी है, जिसकी एज जो है वो बच्चों के लिए अप टू 5 है। 5 ईयर्स तक के बच्चे इसको चला सकते हैं। ये जो गन है, ये वाली गन, इस गन को बचते हैं 12 साल तक के बच्चे इसको चला सकते हैं। ये मार्केट में मुझे 50 रुपीज़ की मिली है। एंड ये वाली गन जो है ये मुझे 40 रुपीज़ की मिली है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ये कुछ खास टेक्नोलॉजी की नहीं है, पर जब इसको मार्केट में आप खरीदने जाएंगे तभी आपको सस्ती पड़ेगी। पर ये गन्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन करीब 200 से 250 रुपए के बीच में पड़ेगी। अब ये गन्स चलती कैसे हैं, कैसे इसको चलाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये छोटी सी गन है, देखिए इसको आपको कैसे चलाना है, ये कैसे खुलती है। उससे पहले मैं आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि ये क्या है। ये जो गन की, ये जो देख रहे हैं आप, ये गन की रील्स हैं। इनको हमें इसमें गन में लोड करना है, किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए, इस गन को हम पहले खोल लेते हैं। यहाँ इसका ये ट्रिगर है, इसे खोलेंगे। इस तरीके से गन को हमने खोल लिया। अब ये एक पुरानी रील है जो मैंने ऑलरेडी लगा के रखी थी, अभी इसे मैं निकाल देती हूँ। और ये जो नई रील है इसको मैं इस तरीके से इसमें से निकाल के आपको लगाना है। आपको इसके आराम से ऐसे खोलना है। अब इसको इस तरीके से कुछ देखिए, ये इस तरफ से ये वाला जो दूसरा वाला पोर्शन है उसे आप इसे ऐसे लगाएंगे इसमें। चलिए, इसे मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसको वापस आप बंद कर दीजिए। चलिए, मैंने बंद कर दिया है। अब आप इसे जैसे ही पुश करेंगे ये साउंड भी आएगा इसमें और ये चलने लगेगी। देखिए, कुछ इस तरीके से ये चल रही है। तो देखिए, ये कुछ ऐसी छोटी सी प्यारी सी गन है जो कि बहुत महंगी भी नहीं है और काफी सस्ती है। अब दूसरी वाली गन जो है उसका भी मैं अगर बताऊं तो फंक्शन एकदम सेम है। पहले मैं इस गन को साइड में कर लेती हूँ। इसका फंक्शन बिल्कुल सेम है। इसको भी ऐसे ट्रिगर से आगे से खोलना है। यहाँ सेम प्लेस है जहाँ पे आपको इसे लगाना है और इसे चलाना है। फिर मैं एक आपको एग्जांपल के लिए लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसे लगाना है। देखिए, इसके जो रील्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, काफ़ी सस्ती हैं, आपको मिल जाएगी। अभी फिर मैंने इसको लगाया, इसको फिर बंद कर देंगे। इसका भी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके साथ जो ये रील्स आई है, कुछ इस तरीके की रील्स आई है, ये मुझे मार्केट में 10 रुपीज़ की पड़ी है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, काफ़ी सस्ती है। इस रील के अंदर टोटल 9 रिंग कैप आती है और टोटल 72 फायर्स आते हैं। आप एक बार में जब इसको यूज़ करेंगे, एक को पूरे पैकेट को, तब आप 20 टोटल 72 फायर्स कर सकते हैं। अब हम जो पुरानी बंदूक है हमारे पास, जो मैंने अभी हाथ में ले रखी है, इसका भी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं टेस्टिंग करके दिखा देती हूँ। जो इसकी रिंग कैप है उसे तो मैंने पहले ही इसमें लोड कर दिया था। देखिए, इसके साथ कुछ इस तरह से धुआं भी निकल रहा है, जैसे जैसे फायर हो रही है धुआं भी निकलते जा रहा है। तो देखिए, एक बार में 8 ही फायर हो पा रही है। एक रिंग कैप में 8 करीब करीब फायर आप कर सकते हैं। और ये जो है ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, जैसे बच्चे काफी पहले चलाते थे। इसके साथ इस तरीके की रील्स मिलती है, अगर आपने देखा हो तो। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसको चलाया भी हो, कई लोग अपने बचपन में चलाया भी करते थे। इवन मैंने भी अपने बचपन में कुछ इसी तरीके के पटाखे जलाए हैं। ये गन के बारे में तो आपको पता ही है कि इसे आप सबने चलाया है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपको एग्जाम्पल दे के बताने की जरूरत है कि इसको किस तरीके से आपको चलाना है। तो आप जरूर से इन गन्स को खरीदें, इसको ट्राई करें और रेट पे जाएं। बिल्कुल रेट आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी। और मुझे लगता है कि पहले आपको इन गन्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नई टेक्नोलॉजी की है। हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आपको। प्लीज़ बी सेफ। थैंक यू। बाय बाय।